माधव जा रहे हैं अपनी नानी के घर, और तो आज उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। हाँ। माधव हाय करो। हाय। हाय। तो हम जा रहे हैं दिल्ली से आजमगढ़, देखते हैं कितना टाइम लगता है ट्रेन में। फिलहाल हमारी ट्रेन भी सीट भी कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि हमने इमरजेंसी में टिकट ली। लेट्स सी, स्टेशन पहुंचते हैं एंड देन आपको आगे कुछ दिखाते हैं माहौल। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए हम लोग उतरे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और वहां से हमने किया रिक्शा जो हमें डायरेक्ट लेके गया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। और ये लेफ्ट में आप देख सकते हो, ये है रामलीला मैदान जहाँ पर अन्ना ने अनशन शुरू किया था और रामलीला भी होती है। और ये दिल्ली का सबसे पुराना सिनेमा हॉल डिलाइट सिनेमा दरियागंज की शान। मैं यहाँ पर बहुत बार घूमा हूँ और आपको बता दूँ, दरियागंज में सिर्फ सिनेमा ही नहीं, ये मार्केट जो आप देख रहे हैं ये बुक मार्केट है। यहाँ पर आपको बुक्स जो हैं वो किलो के भाव में मिलती है। तो ये माधव बैठ गए अपनी सीट पे, और ये मंजू जी भी बैठी हुई हैं। ये है हमारी ट्रेन कैफियात एक्सप्रेस दिल्ली टू आजमगढ़ S4 में। तो ये ट्रेन के चलने का टाइम जो है, चलती है ये 8:25 पे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। और अभी आपको नेक्स्ट व्यू में बताता हूँ कि कितने बजे पहुँच जाती है ये आजमगढ़। तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ चिप्स बच्चों के लिए और देखते आगे। फिलहाल हमने ले लिए ये लिटिल हार्ट्स और दो तरीके के चिप्स, एक माधव के लिए और एक अपने लिए, और एक एक्स्ट्रा कि अगर कोई भी खाना चाहे तो। फिलहाल आपको माधव से मिलवाते हैं। ये चिप्स देखते ही बच्चा हो गया है पागल। ये लो, जैसा मैंने आपको बताया है ये ट्रेन के बारे में कि 8:25 में चलती है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 16 से, और दिल्ली से जाती है आजमगढ़। बीच में जो जो स्टेशन आएंगे मैं आपको छोटा छोटा क्लिप उसमें देखूँ, जो मेन स्टेशन रुकते हैं, क्योंकि कई स्टेशन पर रुकती है, हर स्टेशन दिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जो जो छोटे छोटे बड़े बड़े मेन स्टेशन होंगे मैं आपको सारे के सारे दिखाऊंगा। बाकी मैंने आपको जैसे अभी रास्ते में बताया था कि मेरा जो टिकट है वो मैंने इमरजेंसी में किया, तो मुझे वो कंफर्म नहीं मिला। मिला मुझे REC, लेकिन दो अडल्ट की टिकट थी, तो कुल मिला के हमें एक सीट मिली है। ओके, कर लेंगे थोड़ा एडजस्ट, लेकिन मजा आने वाला है इस ब्लॉग में क्योंकि काफी दिन बाद मैं अभी ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ। तो देखते हैं अभी ट्रेन कितने बजे चलती है, लगभग 5 मिनट बाकी है, तो मैं भी ट्रेन के अंदर बैठ जाता हूँ। नहीं तो रिंकू भैया, जैसे उनकी ट्रेन छूट गई थी ना चंडीगढ़ में, वही हाल मेरे साथ हो जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ फिलहाल ट्रेन के अंदर। ऑन टाइम हमारी ट्रेन जो है वो निकल चुकी है दिल्ली जंक्शन यानी कि पुरानी दिल्ली से। ये प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चली थी जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो थोड़ा ऐसे ही भीड़ भाड़ वाला एरिया था क्योंकि वहाँ सामान उतर रहा था। और बातों बातों में हम लोग पहुँच गए अलीगढ़ जंक्शन। तब तक तो मैं बिल्कुल जाग रहा था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन अलीगढ़ जंक्शन क्रॉस करने के बाद मुझे आने लग गई नींद और मैं एक अपना कोना पकड़ के तो सो गया भाई। रात को अकबरपुर और एक दो स्टेशन और थे जो गुजरे। सुबह सुबह उठते ही मेरे को दर्शन हुए अयोध्या के, अयोध्या रामलला की नगरी। मैं वहीं पर जब मेरी नींद खुली, सीधे अयोध्या स्टेशन था मेरे सामने, और आप देख सकते हो स्टेशन भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही बनाया हुआ है कि हाँ वो मंदिर के लुक में मे बी रिप्रेजेंट कर रहा है उस चीज़ को। और ये अब देखो, वेलकम टू अयोध्या स्टेशन, बहुत ही सुंदर। आगे धीरे धीरे चलते चलते और भी स्टेशन थे, तो एक ये स्टेशन था बीच में मालीपुर। हालांकि ये स्टेशन छोटा था लेकिन इसमें काफ़ी लोगों का उतरना चढ़ना हुआ था, तो आई थॉट कि हाँ क्यों ना इसको भी कवर कर लिया जाए। तो टाइम हो गया है लगभग 11 और हम पहुंचे हैं शाहगंज स्टेशन। हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट हो चुकी है, और कायदे से अगर देखा जाए तो अभी तक मुझे आजमगढ़ तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन इतनी लेट है, क्या करें, कोई बात नहीं। ओहो, ट्रेन मूव हो गई है, देखो पीछे, तो मुझे भागने की जरूरत है, फटाफट चलते हैं ट्रेन में और आजमगढ़ में मिलते हैं आपको। तो ये आप देख सकते हो ट्रेन के बाहर ये लहलहाते खेत, गेहूं की खेती जो कि अभी पूरी तरीके से पकी नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल देख तो बहुत बढ़िया रहा है यार ये। तो माधव और मंजू उतर चुके, अब मैं जा रहा हूँ। बाय 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 बाय। ट्रेन चल जाएगी और मैं ट्रेन फिर से चल गई और मैं जा रहा हूँ। बाय, पकड़ के रखना, कूदेगा नहीं तो। तो ये है कुछ वॉशरूम ऐसा,
खासा क्लीन है अभी फिलहाल, नॉर्मली इतना क्लीन रहता नहीं है। और ये होती है आपकी स्लीपर की बर्थ, एक दो तीन इस तरफ, तीन इस तरफ। ऊपर ये मिडल, इधर लोअर, सेम इधर, और एक ये ऊपर अप एंड हियर। ओके, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं आजमगढ़ स्टेशन। काफी बड़ा स्टेशन है, अच्छा खासा ठीक ठीक दिख रहा है। तो टोटल सफर रहा मेरा वो रहा 16 घंटे। यूजली 15 घंटे का सफर है, लेकिन एक घंटे ट्रेन लेट हो गई जिस वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन ओके था। क्या इस ट्रेन का जो टाइम पीरियड है वही थोड़ा लंबा है, नॉर्मली 700-800 किलोमीटर के लिए इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं होता है, लेकिन इस ट्रेन का है। और मैं इस तरफ से इस वजह से आया क्योंकि मेरे को जिस रूट पे जाना था वो यहीं पे पड़ता है। तो आपने देखा कि हाँ, पीछे माधव और मंजू को मैंने उतार दिया था। अब मैं स्टेशन पे रिटायरिंग रूम में जाऊंगा, देन आपसे मिलूंगा बैक टू दिल्ली वाले वे पे। तो कुछ ऐसा दिखता है आजमगढ़ स्टेशन। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ रिटायरिंग रूम की। बाहर आपको यहाँ पे ऑटोज वगैरह मिल जाएंगे, आपको जहाँ भी जाना है बहुत सारे ऑटोज हैं, लेकिन मुझे फिलहाल बोला गया है कि डोमेट्री के लिए जो मैंने बुकिंग की है उसका प्रिंट आउट लेके आना, तो मैं जा रहा हूँ उसका प्रिंट आउट लेने के लिए।